गुरु जी प्रणाम। मैं यूट्यूब के सभी दर्शकों का नमस्कार और यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि क्या यानी किसी साधक का एक बार समाधि में पहुँचने के पश्चात भी कि क्या कोई साधक की काम ऊर्जा निम्न जखों पर उतर सकती है अथवा नहीं, कृपया इस पर प्रकाश डालें ताकि YouTube के बहुत सारे दर्शक होंगे, बहुत सारे इच्छुक होंगे, भक्तगण होंगे, उनका बहुत प्रश्न होगा और इसका उत्तर पाने से उनका भी कल्याण हो सकता है। स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के सौजन्य से ये जो प्रश्न उत्तरी का क्रम चल रहा है उसके अंतर्गत ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ है। क्या कोई समाधिस्थ या समाधि में पहुंचे हुए साधक की काम ऊर्जा निम्न चक्रों पर पुनः उतर सकती है? बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि जो कम पढ़े लिखे हैं हमारे चैनल पर कि काम ऊर्जा का यहाँ पर क्या अर्थ है। काम ऊर्जा का अर्थ है वीर शक्ति, कुंडली शक्ति। कहने का अर्थ यह है कि ये जो समाधिस्थ होने के पश्चात भी क्या वीर निम्न चक्रों पर उतर के क्या बहिष्कृत भी हो सकता है, वीर आउट हो सकता है? निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे इतिहास में और मेरा खुद का अनुभव है, बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अंधविश्वास भी है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि जो समाधि में चला जाता है कि फिर उसका काम ऊर्जा नीचे नहीं गिरती है, उसका वीर्य आउट हो ही नहीं सकता है। ये गलत बात है। समाधि में पहुंचा हुआ व्यक्ति जब चाहे तो वीर्य आउट हो सकता है। पूछूं कैसे? जैसे कि सीढ़ी, मैंने हमेशा बोला है, मेरा कोटेशन है एक जगह कि जो संभोग है वो तो एक सीढ़ी की तरह है जिसके दो डंडे नीचे होते हैं, दो डंडे ऊपर होते हैं। अब आपकी ये रुचि पर निर्भर करता है, आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि आपको उस सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ना है और कब नीचे उतरना है। आपके हाथ में सीढ़ी है, आप उतर सकते हैं और ऊपर भी चढ़ सकते हैं। जैसे आपके घर में लिफ्ट लगा हुआ होता है, थोड़ा और मॉडर्न एग्जांपल लीजिए, जैसे लिफ्ट लगा होता है हमारे 3-4 मंजिल के मकान में, तो जब हमें ज़रूरत होती है तो हम लिफ्ट में बैठ करके ऊपर चले जाते हैं और जब ऊपर से हमें नीचे आना होता है, नीचे की वर्किंग को हमें फॉलो करना होता है, आवश्यक लगता है या मनोरंजन की दृष्टि से नीचे आना होता है, तो हम लिफ्ट में बैठ के पुनः बटन स्विच ऑन किया और नीचे चले आए। क्या ये सच नहीं है? ठीक इसी प्रकार से जब हमारा अपने निजी ऊर्जा पर, काम ऊर्जा पर, प्राण ऊर्जा पर, कुंडली ऊर्जा पर या फिर संभोग ऊर्जा पर एक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तो चाहे तो हम उसके द्वारा हम अपने क्राउन चक्र में आनंद ले जा करके परमानंद का हिस्सा बने, सहस्रार का मजा लें, या फिर हम नीचे के चक्र के माध्यम से संसार की सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाएं, या फिर अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हम नीचे के चक्रों पर भी मनोरंजन कर सकते हैं या करा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, सपोज मेरी ऊर्जा उठी हुई है, माने कि मैं व्यक्ति हूँ, मेरी ऊर्जा उठी हुई है, मैं समाधिस्थ हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मेरी जो पार्टनर है उसकी ऊर्जा अगर उठी हुई नहीं है तो हम तो समाधि का आनंद ले रहे हैं, जब चाहते हैं तो समाधि में चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा पार्टनर है उसकी ऊर्जा ऊपर उठी हुई नहीं है
तो उसे तो नीचे का ही आनंद चाहिए ना, क्षणिक आनंद। तो क्षणिक आनंद, और तुम अगर ऐसा नहीं करोगे, तुम समाधि में लीन रहोगे, तो तुम्हारा घर परिवार चौपट हो जाएगा। पूछो कैसे? महायोगी कृष्ण की सभी पत्नियां समाधिस्थ नहीं थी? महायोगी कृष्ण की सभी पत्नियां समाधिस्थ नहीं थी? कबीर की पत्नी समाधिस्थ नहीं थी? तुकाराम की पत्नी समाधिस्थ नहीं थी? तो समाधिस्थ पुरुष का यह दायित्व बनता है, यदि वो पारिवारिक जीवन का निर्वाह कर रहा है, तो उसे अपनी पत्नी को सेक्सुअल लेवल पर, अपने सेक्स पार्टनर को मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के स्तर पर काम क्रीड़ा करना चाहिए। ब्रह्म चक्र पे जो प्रक्रिया होती है उसे योग क्रीड़ा कहते हैं, योगानंद कहते हैं। और ये यहां पर काम क्रीड़ा कामानंद है। ऊर्जा यज्ञ नाम बदल गए हैं चक्रों पे उपस्थिति के अनुसार। ये दायित्व बनता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपका बच्चा है छोटा, 5-6 साल का, 7-8 साल का लड़की या लड़का है, और वो आता है आपके पास में गुड़िया गुड्डा लेके या प्लास्टिक की मोटर कार लेकर के आता है कि पापा देखो इसे कैसे चलाया जाता है, पिताजी कैसे चलाया जाता है इसको, इसको कैसे खेला जाता है, तो तुम उसे खेल के भी दिखाते हो, उसके साथ खेलते भी हो, हालांकि तुम्हारी कोई रुचि नहीं है, तुम ऊपर उठ चुके हो इन पपेट के खेलों से, गुड़िया गुड्डों के खेलों से तुम ऊपर उठ चुके हो, तुम खेलना नहीं चाहते हो, तुम्हारी रुचि नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों को खुश करने के लिए, समय पास कराने के लिए, उनके लिए आनंद प्रदान करने के लिए, उनके स्तर के खेलों में हिस्सेदारी रखनी होती है। यही महायोगी लोग करते हैं। इसी को लीला कहते हैं, इसी को खेल कहते हैं, योगी की लीला। कृष्ण ने भी यही किया, कबीर ने भी यही किया, जितने भी ऋषि मुनि हुए यही किया। अगर तुम्हारी ऊर्जा उठ गई क्योंकि तुमने योग साधना सीख ली, योगा अभ्यास करते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो नहीं करती है, उसने तो नहीं सीखा है, उसने तो अभ्यास नहीं किया है, तो फिर वो उसको आनंद कैसे, महा आनंद की, परमानंद की वो हिस्सेदार कैसे बनेगी? तो एकदम तो ऊपर नहीं जाएगी। तो उसको नीचे के तल पे ही आपको मनोरंजन कराना चाहिए, कराना होगा, अन्यथा तुम्हारा परिवार चौपट हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी किसी और से सेक्स कराएगी जाकर के, और तुम योगी बनकर के पारिवारिक जीवन के का जो एक उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य होता है, उससे चूक जाओगे, तुम भ्रष्ट व्यक्ति कहलाओगे। समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? और ऐसे महापुरुष जो होते हैं, जो तो जिनका ऊर्जा पे नियंत्रण होता है, वो लोग इधर का भी खेल खेलते हैं, उधर का भी खेलते हैं। यही योगी की एक जीवनचर्या होती है। वहां कोई दुराग्रह नहीं होता योगी के जीवन में, कर्तव्य बोध होता है। एक और मजे की एक घटना सुनाता हूं, भगवान शंकर से जुड़ी हुई। तुम कह रहे हो एक बार समाधि में पहुंचने के पश्चात काम ऊर्जा निम्न चक्रों में पहुंचती है कि नहीं, वीर्यपात होता है कि नहीं? लेकिन मैं कहता हूं जो लोग हमेशा समाधि में रहते हैं उनका भी वीर्यपात हो जाता है। ये कोई अनहोनी नहीं है, ये कोई अपमान जैसी बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग केंद्र है, चक्र है हमारे शरीर के अंदर, और ऊर्जा जिस स्तर पर, जिस चक्र पे एक्टिव होती है, तो वहां पर क्रिया, आंदोलन, प्रतिक्रिया, हलचल या परिणाम आना स्वाभाविक है। एक बार शंकर जी को जब पता चला कि भगवान विष्णु ने, ये पौराणिक कथा है लेकिन अनुभव इस योग अनुभव जोड़ा है इसके साथ, योग कथा है, भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया और देवा जब समुद्र मंथन होने के पश्चात अमृत को के वितरण में जहां पर कुछ बाधा पैदा हो रही थी, तो राक्षसों ने वो घड़ा छीन लिया, दुष्ट थे ना देवता, कमजोर पड़ गए, सज्जन आदमी तो बड़ा बुजदिल होता है ना, लड़ने से डरता है, वो सोचता है ऐसे ही काम चल जाए। तो विष्णु जी को प्रार्थना किया, वो आए और उन्होंने मोहिनी धारण किया, क्योंकि वो समस्या को समझ चुके थे
और उनके सुंदर रूप को देख करके जो राक्षस लोग थे मोहित हुए। उन्होंने कहा कि यह घड़ा मैं आपको सौंपता हूं और आप जिसको जितना चाहें उतना वितरित कर सकते हैं। कहानी और भी आगे लंबी है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का, लंबा कहानी सुनाने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। शंकर जी को जब ये पता चला इस कहानी की घटना के बाद कि भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा मोहिनी रूप धारण किया कि राक्षस लोग, असुर लोग मोहित हो गए, सम्मोहित हो गए, अटैक्ट हो गए, तो विष्णु जी से उन्होंने मिलने और जिज्ञासा किया कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिससे आपने मोहित कर लिया था राक्षसों के लिए। विष्णु जी ने कहा छोड़िए इन बातों में क्या रखा है, बोले नहीं हम देखना चाहते हैं। शंकर जी की उत्सुकता हुई और शंकर जी को लेकर के वो धीरे धीरे टहल रहे थे समुद्र के किनारे, वनों में बातचीत करते जा रहे थे। तो विष्णु भगवान ने कहा अभी हम आते हैं थोड़ा। वो एकांत में गए, उन्होंने रूप धारण किया, एक सुंदर सी अर्धनग्न नारी का रूप धारण किया, ऐसे वस्त्र पहने कि उनके अंदर के जो स्तन थे वो दिख रहे थे। स्तन के आगे की कैप हल्की कालिमा श्यामलता लिए हुए, उनके अंदर के अंग भी जो है झलक रहे थे उन वस्त्रों के द्वारा। और बारिश हो गई थी तो वो सिमट गए थे, बारिश भी उस समय हुई थी तो उनकी जो धोती पहने वो चिपक गई थी बॉडी के अंदर, और वो टहल रहे थे वहाँ पर। तो विष्णु जी ने देखा कि एक बड़ी सुंदर नारी है और वो इस तरीके से दिख रही है, तो उनकी उत्सुकता हुई पास में जाने की, लेकिन वो धीरे धीरे नारी डिस्टेंस बना करके आगे चलती गई, उनकी ओर देखती जा रही थी अटैक्ट करने के लिए, जो कनखियों से आगे पीछे मुड़ करके। विष्णु भगवान को, शंकर जी को और उत्सुकता बढ़ी, तीव्रता हुई उनकी उत्सुकता में कि आखिर ये क्या मामला है, ये रुक क्यों नहीं रही, कौन औरत है, कहाँ से आई है। वो तेज कदमों से चलने लगे, वो लड़की भी, वो महिला भी, वो सुंदरी भी तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। शंकर जी को और ज़्यादा तीव्र इच्छा हुई कि इसको अब पकड़ के हम पूछेंगे आखिर तुम कौन हो, इतनी सुंदर अकेली जंगल में क्या कर रही हो। शंकर जी ने और उसको तेज़ी से पकड़ने की कोशिश की, फॉलो करने की कोशिश की, दौड़ने लगे और वो भी मोहिनी रूप धारण करे हुए विष्णु भगवान भी तेज दौड़ने लगे। अब दौड़ते दौड़ते भगवान शंकर जी इतने जो है सम्मोहित हो गए, काममोहित हो गए, अर्थात उनकी ऊर्जा इतनी फिजिकल होने लगी, निम्न चक्रों पे होने जाने लगी कि उनका धीरे धीरे वीर्य आउट होने लगा। वो दौड़ते जा रहे थे, उनका वीर्य आउट होता जा रहा था और आखिरकार उन्होंने कस के पकड़ लिया अपने बाहों में। तो ये कहानी सुनाने का अर्थ यह है, ये पौराणिक कथा है और मेरा विश्वास है हिंदुओं में इस कहानी को सुनने के बाद कोई बुरा नहीं मानेगा क्योंकि हिंदू खुले विचारों के हैं, लेकिन मुसलमानों में शायद जो है इन, अगर उनके पीर और पैगंबरों पर इस तरह की बात अगर स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा, अगर हदीस और कुरान में है, तो भी उनको सुनने में बुरा लगेगा कि अपमान लगेगा। हिंदू इतना बेवकूफ नहीं है, हिंदू धर्म के नाम पर आपस में नहीं लड़ते बढ़ते हैं। हिंदू जमीन जायदाद के पीछे लड़ सकता है, गला आपस में काट देते हैं, गोली मार देते हैं, लेकिन धर्म चर्चा के नाम पर, जैसे हमारे यहाँ पर आर्य समाज के लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं और दूसरे समाज के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा को मानते हैं, हम लोग आपस में बहस तो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि आर्य समाज वाला जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता वो गला काट दे या मूर्ति को तोड़ कर फेंक दे, ऐसा, ऐसी कट्टरता, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं। तो जो हिंदू सनातनी लोग हैं, यह हमारे उसमें पौराणिक कथा में वर्णन है, यह प्रैक्टिकल बात है। हम लोग सत्य को स्वीकार करने में कमजोर नहीं है, सत्य को छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होती तो ये पुराणों में क्यों लिखा होता। ये कहानियां तो सुनने सुनाने के लिए हैं, समझने के लिए हैं, और जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन कहानियों से हमें यही मर्म मिलता है, यही शिक्षा मिलती है। इसीलिए तो इतनी कथावाचकों की लाइन लगी हुई है
कोई राम कथा के नाम पर दुकान चला रहा मुरारी बापू जैसा झटमुल्ला? और भी बहुत सारे हैं कथावाचक देवकी जैसे, इसीलिए तो कथाओं का महत्व है। लेकिन कौन सी कथा सुनानी है आज के दौर में, कौन सी नहीं सुनानी है, ये बेचारे नहीं जानते हैं। ये तो केवल राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर अपना पेट भर रहे हैं, इनका पेट भर रहे हैं, सोना चांदी लाद करके घूम रहे हैं, अपने घर परिवार चला रहे हैं बेचारे। ये इनको सनातन धर्म कहीं भी गड्ढे में चला जाए, हिंदू का कितना भी पतन हो जाए, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं। आप देखिए ना, अब तो कोई एक छतरपुर में जाने कहाँ कोई झाटेश्वर धाम नाम का एक जगह बन गई है, वो दूसरों के मनों की बातें बता करके जनता को कितना चूतिया बना रहा है। यहाँ पर कोई अपने मन की बात करता है, कोई मन की बात बताता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हिंदू का कितना पतन हो रहा है, इतना हिंदू कितना असुरक्षित है, इनको कोई लेना देना नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि कहाँ समाधि में पहुँचे हुए व्यक्ति की भी ऊर्जा पात हो सकता है, वीर्यपात हो सकता है, उसके चाहने से या उसकी ज़रूरत के अनुसार। ये कोई पाप नहीं है, ये एक प्रक्रिया है सहज, शारीरिक और मानसिक। ओम शांति ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका भला हो, सब में जागरूकता पैदा हो।